सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आप लोग बता दो कि अभी जस्ट 9:45 अपना ब्लॉग पब्लिश हुआ और काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि अभी 10-15 मिनट हुए हैं और 20 व्यूज पार हो चुके हैं। एंड आप लोग बता दो कि अभी मैं एवरेस्ट करके आ चुका हूँ और मम्मी खाना खाने का बोल रही है, क्योंकि यार मम्मी खाना बना के बैठ जाती, सबका वेट करती थी और खा के जाए, क्योंकि यार हम लोग ना काफी लेट कर देते हैं। तो चलो मम्मी से पूछता हूँ कि खाना बन गया, यहाँ बैठी हुई है बेचारी वेट करती सबका। मम्मी कोई नहीं आ रहा खाना खाने। खाना बहुत देर के बना है। मम्मी काफी फास्ट है, मतलब सुबह ही बना के रख देती है, मतलब 10-11 बजे समथिंग खाना बन जाता है, इसके बाद सबका वेट करती रहती है, कोई आता ही नहीं है। काफी ज्यादा थक गया हूँ यार। क्या हुआ कि हमारे घर के थोड़ी दूर में एक लड़का खो गया था और वो यहाँ से गुजरात पहुँच गया, तो काफी 10-15 दिन हो चुके थे, तो फिर अभी मुझे मालूम नहीं था। फिर मेरा दोस्त फोन करता है, उसके पास कहीं गुजरात से फोन आया था कि लड़के के घर किधर सर्च करने के लिए, वो बताया होगा कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे दोस्त फोन किया, उसी को ढूंढने के लिए मैं गया, काफी टाइम लगा, फिर उसके मम्मी पापा मिले, उनसे बात कराया। अब देखते हैं उसको जो संस्था वाले लोग बुला रहे हैं गुजरात मम्मी पापा को लेने के लिए कि यहाँ आके बच्चे को ले जाओ। इन्हीं सब काम में यार काफी ज्यादा टाइम लगे, एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलने की सबसे बड़ी खुशी होती है। सो अभी क्या है कि अब मैं घर पे जस्ट आया, थोड़ा रेस्ट करूंगा। इसके मेरा कुरकुरा आ चुका है और ये हमारी गोला आज खाना किस पे खा रही है, देखो ये इसका फेवरेट है। गाइस ये देख सकते हो आप, कटोरे में खाना खा रही, छुपा रही है, दिखाना कटोरे में कौन खाता है भाई कौन खाता है कटोरे में कौन खाता है पहले बता। अभी नहा के आया हूँ मैं और ये शर्ट जो है काफी दिनों से अंदर रखा हुआ था तो ऐसे फोल्ड हो गया, मैंने काफी खराब लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अब क्रिकेट खेलने जाऊँ पहन लिया हूँ। एंड मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे बाल इतने बड़े हो गए कि सही से सेट होते ही नहीं है, परेशान हो गए उनको सेट करते हैं, मैं छोड़ दिया यार कि चलो जैसे हैं वैसे ही हैं। एंड अभी जस्ट अभी हम लोग एक प्रैंक करने वाले हैं कि मम्मी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आज की चाय मैंने बनाई। किसने बनाई? हाँ, तो हम दोनों जाके अभी बोलेंगे चाय मैंने बनाई, पहले गोलू को भेजूंगा कि तू जा बोल, इसके बाद मैं जाऊंगा बोलूंगा हाँ चाय मैंने बनाई कैसी लगी, देख के मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। सो गाइस मम्मी के लिए एक सरप्राइज है, ये मम्मी चाय पी जल्दी बता कैसी है चाय, किसने बनाया जल्दी बता, आज चाय मैंने बनाया, बता कैसी लग रही है। अच्छी थी। मतलब मेरे बनाती फिर वो टेस्ट में कमी आ गई, फीकी आ गई। अच्छी है, फीकी है सर, टेस्ट है। मतलब अभी तूने फीकी बोल दी, अभी गोलू का नाम होता तो वो चाय मीठी हो जाती। मतलब देख रहे हो आप लोग कैसे करती है, इसको चाय जैसे ही मैंने दिया इसने फीकी बोल दिया और चाय गोलू नहीं बनाई थी। क्या ठीक है बोल, अब क्या, अब ठीक ही है, अब अच्छी है। लेट हो चुका हूँ यार एंड संयोग भैया भी काफी ज्यादा टाइम लगा दिए हैं। अभी मैं फटाक से रेडी होता अपने शूज पहन के, क्योंकि भैया आ रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से निकल लें। आप देख सकते हो भैया जी आ चुके हैं। भैया इतना लेट होने का कारण बताओ, पहले कारण बताओ जल्दी। चलो लेट हो रहे थे, इसके चक्कर में और लेट हो गए। देखो आप लोग रास्ता ही नहीं है, वो बोलेंगे और लोग हमसे बोलेंगे कि हम लेट क्यों आ रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उस गड्ढे के कारण हमको और संयोग को पैदल चलना पड़ रहा है। वैसे एक लड़के को बुलाया हूँ अमन को कि हमको लेने आ जा, तो वो आ रहा है रास्ते में है, तब तक हम लोगों ने सोचा खड़े हो कि क्या मतलब, थोड़ा हम भी पैदल चल लेते हैं तो बस वार्म अप हो जाएगा यहीं से। फिर वहाँ पहुँचते ही खतरनाक बोलिंग चालू की नहीं। ये अमन भाई आ चुके स्कूटी लेके और ये हमारे भैया जी, एंड ये हमारी बाइक आ चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते फटाक से, ग्राउंड में मिलता हूँ आप लोग को। गाइस हमारी वेटिंग आ चुकी है एंड ईशान शर्मा भाई हमारी टीम में है, भैया का नामकरण कर दिया गया यहाँ पे, ईशान शर्मा बोल दिया गया है इन भाई लोग के द्वारा। तो चलो अभी मैं बैटिंग करने जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग को। गाइस काफ़ी दिनों बाद आज मैं थोड़ा सही खेल पा रहा था, लेकिन एक मिस हिट हुआ और मैं बोल्ड हो गया, क्योंकि मैं आगे निकल के मारा, काफ़ी टाइम से मैं मार रहा था, मतलब 15-20 रन मैंने मारे, लेकिन एक बॉल मिस कर दी, मैं आउट हो गया। तभी ये लोग हमारे भाई लोग बैटिंग कर रहे थे, चलो देखते हैं। अभी फ़ोन रखता हूँ, फील्डिंग करता हूँ पहले, क्योंकि फील्डिंग बहुत ज़रूरी है अभी। अमन भाई, अमन भी ब्लॉगर बना हुआ है, फुल ब्लॉगिंग में चल रहा है, आप लोगों को पता होगा अमन आ चुका हमारे चैनल में एक बार इससे पहले, नहीं वैसे अमन का चैनल में जो एक खेला था बनने जवान, अमन का भी एक चैनल है क्या, अमन ऑफिस। तो गाइस अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं, मैच कंप्लीट हो चुका है, अब घर के निकल रहे हैं और हमारे पास तो बाइक है नहीं, तो हमें छोड़ने कौन जाएगा, अमन।
अमन ही एक सहारा जो हमें छोड़ने जाएगा, तो चलो मिलते हैं घर पे, अभी यहाँ से निकल गए। वैसे मेरे को सही हो गया, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, बट कोई नहीं घर तक चल लेंगे। मम्मी ने इसकी आदत बिगाड़ दी है, मैं इसको पहले मारता था तो मुझको कुछ नहीं बोलती थी, और अभी ये मुझे कलछुली छुआने की धमकी दे रही है, सब्जी बना रही है तो बोल रही कलछुली टच कर देगी। बोल आप क्या करेगी? ओए ये देखो ये टच कर रही है, एक धमकी दे रही है। मैंने बोला आप लोग के सामने कर दूँ, कभी छुआ दे तो सबके सामने रहेगा। बोल क्या क्या? अब बेटा टच हुआ ना बेटा, ये वीडियो बन रही है, ये नहीं डरती, डर ये वीडियो सरकार के पास चली जाएगी, कुछ करेगी तो जेल करा दूंगा, समझी? पक्का? अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, पूछता हूँ मम्मी और आज क्या सीन है, वहाँ जो क्रिकेट हुआ इसके बाद आए, काफ़ी हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं। अब मम्मी बताएगी, मम्मी क्या कर रही है? सब्जी काटती है। तो अब बता क्या करना है इन लोग को? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है कर देना। तो गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।